subscribe our channel and press the bell icon for more update. हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। तो आज हम आपके लिए कर वीडियो लेकर आए हैं, तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्मोक हेलमेट के बारे में, जो कि ट्यूब ब्रीदिंग अपरेटस है। तो चलिए जान लेते हैं, यह एक इम्पोर्टेंट उपकरण है जो कि अश्वसनीय हवा में फंसे व्यक्ति को बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। स्मोक हेलमेट एक ट्यूब ब्रीदिंग अपरेटस है जो अश्वसनीय हवा में फंसे व्यक्ति को बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। वह गैस टाइट मुखौटे वाला हेलमेट होता है, जिसके साथ इसके साथ होता है 50 मीटर लंबी मजबूत हवा ट्यूब जुड़ी होती है, और उस ट्यूब का मुंह शुद्ध हवा वाली जगह में रख कर पहनने वाला व्यक्ति जहां सांस लेने में दिक्कत है या अश्वसनीय वातावरण है, तो वहां उस स्थिति में ये करीब 45 मीटर तक जा सकता है। ट्यूब में हवा धोकनी बिलो द्वारा भेजी जाती है। मुखौटे और ट्यूब के बीच हवा का दबाव समान रखने के लिए एक बैग होती है जो उस व्यक्ति की पीठ पर रहती है, और मुखौटे में आंखों के सामने दो पारदर्शी खिड़कियां होती हैं। वह एक निकास वाल्व भी लगा होता है। हवा ट्यूब में हवा का दबाव वायुमंडल के दबाव से अधिक होने के कारण अश्वसनीय हवा में उसमें लीक होकर घुसने की संभावना नहीं होती। स्मोक हेलमेट अत्यंत उपयोगी साधन है, और कानून के अनुसार प्रत्येक खान में कम से कम दो स्मोक हेलमेट रखना अनिवार्य है। इसमें कुछ सावधानियां भी है। यह उपकरण रेस्क्यू ट्रेंड व्यक्ति द्वारा प्रयोग करना चाहिए। कोई वैसा व्यक्ति मौजूद ना हो तो संकट काल में अत्यंत अन्य व्यक्ति को आवश्यक निर्देश देकर प्रयोग किया जा सकता है। फ्रेश एयर बेस पर कम से कम 5 मीटर ट्यूब शुद्ध हवा में रहनी चाहिए। ट्यूब के मुंह के पास जलता हुआ सेफ्टी लैंप व मुनिया चिड़िया का पिंजरा रखना जरूरी है, ताकि ऑक्सीजन की मात्रा व खूनी गैस की मौजूदगी पर नज़र रखी जा सके। उस व्यक्ति की कमर में एक लंबी रस्सी शुद्ध हवा से व्यक्ति तक बंधी रहनी चाहिए, जब तक वह व्यक्ति लौट कर शुद्ध हवा में न आ जाए। शुद्ध हवा में धोकनी चलाने वाले व्यक्ति के अलावा एक ऑफिशियल रहना भी जरूरी है।